नमस्कार सभी हेल्थ वर्कर, ANM, आशा, FW का स्वागत है। इस एप्लीकेशन को आज हम सिखाने जा रहे हैं, जो है IDSP की IHIP एप्लीकेशन, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह एक एप्लीकेशन है जिसे हेल्थ वर्कर के लिए बनाया गया है, ताकि रियल टाइम डाटा एंटर किया जा सके, जो भी ANM हेल्थ वर्कर द्वारा डेली अपने फील्ड में पेशेंट देखे जाते हैं उनके बारे में। तो आइए देखते हैं यह एप्लीकेशन किस प्रकार वर्क करती है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, यह एप्लीकेशन दिखती कैसी है। तो ये देखिए कि आपका IHIP ट्रेनिंग एप्लीकेशन है, ये मैं यहाँ पर नीचे कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। ये है IHIP ट्रेनिंग ऐप, इसे अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है डेली से। प्रॉपर हो जाने पर ये सभी इसी में एंट्री करेंगे, सभी हेल्थ वर्कर्स। तो इसे मैं खोलता हूँ, लॉग इन करने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन आती है जिसमें कि भारत सरकार का लोगो होता है, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म दिखा हुआ है। यहाँ पर फैसिलिटी की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, फैसिलिटी नेम क्या है आपका, जो सब सेंटर है उसका नाम दिया जा रहा है, PSC जो भी पड़ती है इस सब सेंटर के ऊपर, वो ऑफिसर इंचार्ज जो है, डॉक्टर का नाम, उनका मोबाइल नंबर, हेल्थ वर्कर का नाम, उनका मोबाइल नंबर, विलेज जो है गृह है ये दिखा रहा है। ये ट्रेनिंग एप्लीकेशन है, रियल टाइम डाटा एंट्री के लिए अभी यूज़ की जा रही है। इसके बाद प्रॉपर इसको यूज़ करना सभी को आना चाहिए। सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है, यहाँ पर स्टेट दिखा रहा है कर्नाटका। तो यहाँ हमको हमारी हेल्थ फैसिलिटी की इन्फॉर्मेशन आती है, उसके नीचे गेट स्टार्टेड का एक रेड कलर का रिबन बना हुआ है, और उसके नीचे है सिंक्रोनाइज। अगर सिंक्रोनाइज का जो वर्क होता है, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, वो जैसे ही इंटरनेट आपका चालू होगा वो सेव हो जाएगा। सिंक्रोनाइज करने पर आपका पूरा डाटा इंटरनेट पे सेव हो जाएगा। और गेट स्टार्टेड में नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं, तो गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे। सिंक्रोनाइज में डाटा जो हम ऑफलाइन सेव करते हैं हमारे इसमें मोबाइल से या टैबलेट से, वो रहेगा। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, जैसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे यहाँ हमारे पास मैसेज आएगा, डू यू वांट टू कलेक्ट डाटा, यानी आप किसी पेशेंट का डाटा हेल्थ वर्कर द्वारा जो है उसके घर पर जाके, जैसे हेल्थ वर्कर किसी पेशेंट के घर पर विजिट करता है, वहाँ पर उसकी डिटेल डालना चाहता है, कोई पेशेंट है वहाँ पर, तो इसके लिए डू यू वांट टू कलेक्ट डाटा का ऑप्शन आता है। जैसे आगे बढ़ते हैं तो यस करेंगे इसको। यस करने के बाद हमारे पास यहाँ एक सब सेंटर के अंदर 4 या 5 विलेज होते हैं, उस विलेज के नाम है ये, हेबूर, हीरे, हेली, हैगरे, ऐसे 4 विलेज के नाम है। इसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ नेम नंबर नेम जो है इस विलेज के अंदर, पेशेंट के घर जाकर इसकी लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये करेंगे तो रियल टाइम में ये लोकेशन चेक कर लेता है, या आपके पास पेशेंट पहले से ही अगर अवेलेबल है, मैक्सिमम 1 पेशेंट जो है इसमें एंट्री करना है, तो ये हमारे पास लिस्ट ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर पहले से हमारा पेशेंट है उसे सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसे हम नहीं करते हैं, हम न्यू पेशेंट ऐड करेंगे ताकि सभी को न्यू पेशेंट से इसकी एडिशन सही से पता चल पाए। तो ये आ गए हम, तो यहाँ न्यू हाउस और नंबर नेम लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर हाउस नंबर लिख देते हैं 23, हाउस नंबर 23 ऑब्लिक रवि। ये नया पेशेंट है हमारा, हमारे ग्राम में। अगर हम दोबारा से इसी पेशेंट के इसमें जाना चाहते हैं, तो इसका लोकेशन भी हम यहाँ घर पर जाके इसको सेट कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड पे ये नहीं वर्क करता है, ऑनलाइन मोड पे रहेंगे तो जैसे इंटरनेट चालू होगा ये आपको लोकेशन भी सेट करके देगा इस पेशेंट की। जैसे ही मैं इसे सेट करूँगा, GPS लोकेशन नहीं चेक कर पा रहा क्योंकि ये
नहीं आ पा रहा है, तो हम इसे लोकेशन इन्फॉर्मेशन नॉट फाउंड, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? यस, हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। हाउस नंबर और नेम सेव हो जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा पर्सन डिटेल आ जाएगी कि हाउस नंबर 23 रवि नाम के व्यक्ति का है जो हेबर ग्राम का है। क्या इसके यहाँ कोई डेथ हुई है? नहीं, हम इसे सेव नहीं करेंगे, नहीं हम इसे क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि डेथ नहीं हुई है। इस देर यानी से एट होम, इसके घर में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है? हाँ, तो इसके लिए यस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास सिलेक्ट पर्सन, इनके अगर पहले से हमारे पास डाटा सेव है इस पेशेंट के घर का, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करके चार या पांच जो भी मेंबर है उनका डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट पर्सन में ऊपर पेशेंट की डिटेल्स आ रही है कि जो मेन मुखिया है उस घर का, उसका नाम आ रहा है। नीचे हम, हाँ, इसके घर में इसकी वाइफ जो है बीमार है, इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे नायरा इनके यहाँ इनकी वाइफ है जो फीमेल है। जैसे हम आगे ऐड करते हैं, फीमेल इसका जेंडर हो जाएगा। और ये एरो लेफ्ट में जो ऊपर दिख रहा है पर्सन डिटेल के, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। इसकी एज डाल देंगे हम, या डेट ऑफ बर्थ अगर आपको देते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, अन्यथा एज डाल दीजिए। तो एज में आप इनको डाल सकते हैं, 25 ईयर की इनकी एज है जो पेशेंट है। जैसे फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर रवि मुखिया है, उसका घर का नंबर 23 है, हेबर ग्राम है। इसकी जो वाइफ नायरा है वो, उसके लिए हमें अपने जो एस फॉर्म है हेल्थ वर्कर जो भरता है उसकी डिटेल्स भरनी होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है सिलेक्ट सिंड्रोम के थ्रू। सिलेक्ट सिंड्रोम में ओनली फीवर के साथ लेस देन 7 डेज और ग्रेटर देन 7 डेज की भी है, फीवर रेसेस है। पेज 1 to 8 तक के यहाँ पर पेज है, 3 डिसीज यहाँ दिखा रहे हैं सिलेक्ट सिंड्रोम में, सिंड्रोम कौन सा है। जैसे क्लिक करेंगे हम आगे, फीवर विद ब्लीडिंग, फीवर विद अल्टर्ड सेंसोरिशन, कफ लेस देन 2 वीक्स विद फीवर, ये ऑप्शन सब मिलेंगे हमारे पास जो हमारे एस फॉर्म में होते हैं। कफ विद ब्लड यानी कफ, सर्दी के खांसी के साथ आपका ब्लड जो आ रहा है। लूज वाटरली स्टूल, तो हम नायरा को लूज वाटरली स्टूल विद ब्लड लेस देन 2 वीक्स ये क्लिक कर देंगे अगर उसको ये बीमारी है, और आगे चलेंगे। अगर कुछ होता है जैसे जॉइंटिस, एक्यूट फैलसाइट पैरालिसिस, मलेरिया वाइवैक्स, मलेरिया फैल्सपेरम, मलेरिया मिक्स्ड, एनिमल बाइट, स्नेक बाइट, डॉग बाइट, एनिमल बाइट, मंकी के द्वारा किया, और एनिमल बाइट अगर अदर के द्वारा किया गया, या अदर कोई सिंड्रोम आपको लगता है कि ये हो सकता है। तो हमने पहले ही सिलेक्ट कर दिया है इनका जो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया था लूज वाटरली स्टूल विथ ब्लड लेस देन 2 वीक्स। तो अब हम चाहते हैं कि इसके आगे बढ़े, इनको इसके अलावा कोई बीमारी नहीं है या कोई सिंड्रोम नहीं नज़र आ रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे हम इस एरो ऊपर जो दिया हुआ है एरो, उसको क्लिक करके। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो सबमिट डाटा का ऑप्शन आएगा। नायरा जो है रवि की वाइफ है, हेबरग्राम में, जिसका जेंडर है फीमेल, 25 साल की उम्र है इनकी, लूज वाटरली स्टूल विथ लेस ब्लड लेस देन 2 वीक का सिंड्रोम है इनको। लोकेशन नहीं आ रही है, अगर आप इंटरनेट कनेक्ट करके इसमें डालेंगे तो ये ज़रूर आ जाएगी। सबमिट डाटा करना चाहते हैं क्या? हाँ, मैं इसको सबमिट करना चाहता हूँ। जैसे ही सबमिट करेंगे, लोकेशन इन्फॉर्मेशन के बारे में फिर बताएगा कि इनकी लोकेशन सेव नहीं की गई है, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? तो हाँ, मैं इसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, आपका डाटा सक्सेसफुली इस एप्लीकेशन में सेव हो जाएगा। ठीक, जैसे ही इसे ओके दबाएंगे, अब क्या आप नेक्स्ट घर में जाना चाहते हैं, वहाँ की कोई डिटेल लेना चाह रहे हैं? गो टू द नेक्स्ट हाउस लिखा हुआ है, नहीं मैं नहीं चाहता, तो एंड कर दूंगा मैं इसे। जैसे ये आ गया, हमारे पास सिंक्रोनाइज रिकॉर्ड पेंडिंग अपलोड आ रहा है। ठीक है, ये हमारी पूरी डिटेल हो गई। अब हमारे पास यहाँ 3 एरो दिख रहे हैं फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन के बगल में, सबसे ऊपर रेड रिबन पे, सबसे ऊपर वाली रेड रिबन पे फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन पहला है जो प्लस के निशान के साथ, जो हमारा हेल्थ का निशान है उसके थ्रू आता है। तो ये फैसिलिटी, जैसी इस पे क्लिक करेंगे इस पे, तो ये इसी पे आता है। सेकंड नंबर एस फॉर्म रिपोर्टिंग, जो कि गेट स्टार्टेड से आती है। माय एस फॉर्म रिपोर्टिंग, क्या आप देखना चाह रहे हैं आपका जो रिपोर्टिंग आपने किया है वो सेव हुआ है नहीं हुआ इस मोबाइल में? जी, ये सेव हो चुका है। जैसी
माई एस फॉर्म रिपोर्टिंग पे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, माई एस फॉर्म रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा डाटा सेव हो चुका है। नायरे जो 25 साल की फीमेल, उसको लूज वाटर स्टूल सिंड्रोम है, प्रॉबेबल है, यानी ये कंफर्म केस नहीं है, डॉक्टर द्वारा या लैब द्वारा कंफर्म नहीं है। ठीक, हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दिखा रहा है रिपोर्टिंग डेट 17/10/2019 नॉट अपलोडेड, ये आपको देखने को मिल रहा है, 17 तारीख की डेट है, ये अपलोडेड नहीं है। इसे अपलोड करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, सिंक्रोनाइज का जो ऑप्शन दिखा था यहाँ, सिंक्रोनाइज वन रिकॉर्ड पेंडिंग फॉर अपलोड नीचे आ रहा है, गेट स्टार्टेड के नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिंक्रोनाइज वन रिकॉर्ड पेंडिंग फॉर अपलोड आ रहा है। जैसे ही हम इंटरनेट यहाँ से चालू करेंगे और इसे सेव करना चाहेंगे तो ये सेव हो जाएगा। जैसे इंटरनेट चालू हो गया हमारा, हम सिंक्रोनाइज का बटन दबाएंगे और सिंक्रोनाइज करेंगे, प्लीज़ वेट का ऑप्शन आने लगा हमें, डाटा सिंक्रोनाइज इन प्रोग्रेस, यानी हमारा जो इस एप्लीकेशन में डाटा था उसको रिकॉर्ड को हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं और सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं, तो ये अपलोड हो गया, यानी ऑफलाइन एप्लीकेशन है, आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं जैसे ही आपको इंटरनेट मिले। कई बार ग्रामों में इंटरनेट की सेवा नहीं हो पाती है उपलब्ध, इसीलिए ये ऑप्शन दिया गया है कि पहले आप इस एप्लीकेशन में सेव कर ले, पेशेंट के यहाँ जाके डिटेल उसकी भर ले, फिर जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन आ जाए तो आप इसको सिंक्रोनाइज़ कर ले। जैसे इंटरनेट कनेक्शन आएगा, सिंक्रोनाइज़ करेंगे, आपका ऑफलाइन डाटा सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। ठीक, अब अगला हमारा जो माई एस फॉर्म रिपोर्टिंग के बाद ऑप्शन आता है इवेंट अलर्ट फॉर्म, फिर सेटिंग और लॉगआउट। इवेंट अलर्ट फॉर्म जो है हमारा, ये जब कोई आउटब्रेक आपके एरिया में होता है, किसी ग्राम में, आपके सब सेंटर लेवल के 5 ग्रामों में से किसी ग्राम में हो रहा है, तो ये इवेंट अलर्ट आईडी ये है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल पे इंफॉर्मेशन भेज सके कि आपके यहाँ आउटब्रेक हुआ है, लगभग 15 मरीज या 20 मरीज या 5 या 10 मरीज आपको किसी बीमारी के मिले हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना हो तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में आपने देखा कि आपके यहाँ 7 या 8 मरीज जो है सर्दी खांसी के हो रहे हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करके सेट करेंगे। 17 तारीख को हमने सेट कर दिया, हमारी डिस्ट्रिक्ट हो गई तुमकुर, सब डिस्ट्रिक्ट हो गई, अब विलेज का नाम डालना है। हमारे पास देखा था हमने कि विलेज थे, तो विलेज आपके क्षेत्र में जो भी आता हो उस विलेज को चूज़ कर ले। जैसे ही चूज़ करेंगे उसके बाद किस बात के आ रहे हैं आपके पास पेशेंट, तो कफ less than 2 week या कफ विद ब्लड, फीवर विथ रैश, ये जो है ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं जो कि कॉमनली मीजल्स या चिकन पॉक्स का होता है। सोर्स कहाँ पे है, सोर्स आपको कहाँ से पता चला कि एक हेल्थ वर्कर को कहाँ से पता चला कि ये आउटब्रेक हुआ है या अभी इवेंट हुआ है, तो जैसे स्कूल में टीचर्स को होता है, देखते हैं कि 4-5 बच्चों को या 6 बच्चों, 7 बच्चों या 10 बच्चों को रैश हो रहे हैं, तो उनसे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम स्कूल से वो ले लेते हैं कि स्कूल से हमको, और हमने यहाँ पर मैसेज लिखना है जो भी आपने वहाँ वर्क कर दिया है, डिटेल में लिख सकते हैं या फिर आप ज़्यादा नहीं लिख पा रहे हैं तो थोड़ा सा लिखिए, टीम विजिट द प्लेस। ये हमारा एक मैसेज हो गया, अगर कोई डॉक्यूमेंट चूज़ करना चाहते हैं चूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ पर जो फ़ोटो खींचे हैं या आपने एक पंचनामा बनाया हुआ है उस पंचनामा का फ़ोटो खींचे और यहाँ पर चूज़ करेंगे तो ये आपके मोबाइल में अपलोडेड फ़ोटो खींची वाली आपकी ये अपलोड हो जाएगी। जैसे ही हम इसे चूज़ कर लेंगे और सबमिट करेंगे तो ये हमारा इवेंट जो आउटब्रेक का है वो रिपोर्ट हो जाएगा और ये ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों को शो होगा। तो ये हमारा जो IHIP का एप्लीकेशन है ये वर्क करता है। सेटिंग में यहाँ पर अभी इंग्लिश का ऑप्शन है, जैसी लैंग्वेज अगर हिंदी में होता है तो आप भविष्य में हिंदी में या दूसरी लैंग्वेजेस में, अपने भारत की लैंग्वेजेस में इसे यूज़ कर पाएंगे, और लॉग आउट करेंगे तो यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे। तो हम फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, तो ये हमारी बेसिक एप्लीकेशन है जो एक हेल्थ वर्कर, ANM, आशा, MPW वर्क करेंगे इस एप्लीकेशन पे। रियल टाइम डाटा के लिए ये एप्लीकेशन बनाई गई है, तो ज़रूर इस एप्लीकेशन पे वर्क करें,
प्रॉपर करे, सभी को करना ज़रूरी है ताकि हम रियल टाइम डाटा इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा सकें। धन्यवाद दोस्तों इस एप्लीकेशन को पूरा देखने के लिए।